हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल यश कुमार .123। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने कुछ आज केरला से 6 प्लांट मंगाए थे तो आए हैं, तो उनके अनबॉक्सिंग करेंगे आज हम। ये देखिए नितिन प्रेमचंद जंगले, ये केल्लूर से आए हैं केरला से। ये देखिए इरोरपुर से आए हैं पजेसी गार्डन से। तो आज हम उनको पौधों को देखेंगे कि कौन कौन से पौधे हमने मंगाए हैं। अभी इनके जो भी नाम है दोस्तों, ये तो कुछ मेरे को भी खास करके पता नहीं है, लेकिन मैं ये वीडियो में लास्ट में आपको उसके फ़ोटो के साथ में नाम डाल दूंगा आपको। अभी ये पौधे है तो इनको हम, ये देखिए अभी ये मैंने 19 तारीख को बुक किए थे, तो तब से ये अभी देखिए कितने 9 दिन के बाद में पौधे मेरे पास आए हैं। फिर भी इनकी कंडीशन देखिए कितनी बढ़िया है, इस हिसाब से उन्होंने पैकिंग की थी एकदम बढ़िया, कोई भी तकलीफ नहीं है उसमें, सब पौधे अच्छे हैं। ये देखिए ये शायद और अलोसिया फेड्रिक करके जो पौधा है उसका नाम, तो उससे उस नाम से ये रबर प्लांट है, उसी हिसाब से इनके नाम अभी मैं बाद में लास्ट में डाल दूंगा। तो अभी इनको हम रिपोर्ट करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा दिन हो गए इनको। ये देखिए ये भी तो अच्छी कंडीशन है, खाली ये 2 पत्तियां जो है वो पीली पड़ी है इनमें, लेकिन बाकी का एकदम बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है देखिए। और ये इसमें भी थोड़ा सा ये देखिए 2 टहनी ज़्यादा पीले पड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसको हम लगा देंगे एकदम जल्दी से। और अंदर भी देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया पैकिंग की है उन्होंने। ये देखिए ये इसमें सब कोकोपीट में दिया है उन्होंने, एकदम इन्हें कोई तकलीफ नहीं है वैसे। तो अभी हम इनको पहले रिपोर्ट कर देंगे, इनकी ये पन्नियाँ हम निकाल देंगे पहले। ये देखिए अंदर भी देखिए इनके रूट्स कितनी बढ़िया है एकदम। अभी ये रबर प्लांट है, वैसे तो रबर प्लांट मेरे पास पहले भी है, लेकिन वो अलग टाइप का है और ये अभी अलग मंगाया है मैंने। ये देखिए इसके भी रूट्स एकदम बढ़िया है। ये देखिए अभी हम इनको निकालेंगे नहीं, ऐसे के ऐसे पानी में गमले में लगा देंगे। इनके लिए हमने छोटे छोटे पॉट लिए हैं, ये देखिए ये 2 पॉट लिए हैं, और इसमें हमने जो कोल आता है सेंडर वो डाल के रखा है नीचे कि वाटर का ड्रेनेज अच्छा रहे। और उसके बाद में ये 4 लिए पॉट इसमें लगाएंगे अभी हम। तो अभी पहले हम इनको फंगीसाइड पाउडर पानी में डाल के उसमें डाल देंगे कि उसमें जो भी कुछ होगा फंगीसाइड तो तकलीफ ना रहे हमको आगे चल के, इसके लिए हम उनको फंगीसाइड में डाल देंगे, यानी अच्छी तरह से इसको हमने पहले फंगीसाइड में डाल दिया है। एक एक करके अभी हम इनको लगा देंगे। और ये हमने पानी में डाल के रखा है, उसके ऊपर भी पत्तियों पर हमने फंगीसाइड पाउडर डाल दी है, क्योंकि ये अभी इतने दूर से आए तो क्या इनको फंगी साइड से काट ये हुआ है उनको, तो ये हमको पता नहीं है, इसके लिए हम इनको अभी पानी में डाल के रखते जब तक एक एक पौधा अभी हम लगाएंगे। तो ये देखिए ये मैंने कुछ सेंडर लिया है, ये कोकोपीट लिया है, और ये हमारी थोड़ी सी उसमें गार्डनिंग सॉइल लिया है, और इसमें हम अभी थोड़ा सा रेत भी मिला देंगे, यानी हमारी ये जो ये एकदम बढ़िया हो जाएगा।
ये हम इसमें रेत भी डाल देते थोड़ा। ये हमने इसमें अभी रेत भी मिला दिया है, बारिश का अभी मानसून के दिन चालू हो गए ले, तो अभी पौधे भी अच्छे हो जाएंगे हमारे एक दो दिन में। उसके बाद में हम आपको उसकी अपडेट भी दे देंगे। तो चलिए अभी इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से अभी मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर भी मिक्स डाल देंगे ताकि आगे चल के कोई तकलीफ ना हो अंदर से भी कुछ। ये हमने अभी फंगिसाइड पाउडर भी डाल दिया है। अभी हम एक एक पौधा लगा देंगे इसमें। थैली निकाल लेंगे इसकी। बराबर से सेंटर में रख के हम इसमें इस टाइप में अभी हम सब पौधे लगा देंगे बराबर से। ये भी हमने लगा दिया है अभी। यह भी पीली पत्तियाँ हम निकालेंगे नहीं, वो अपने आप दो चार दिन के बाद में बराबर से निकल जाएगा। वो इसको ऐसा ही रखेंगे क्योंकि पौधा अभी 9 दिन से पैकिंग में था, तो इसके लिए हम इसको कुछ छेड़ेंगे नहीं। 2 दिन के बाद में पौधा अच्छे से ग्रोथ हो जाए तो उसके बाद में इसको भी पीली पत्तियों को हम निकाल देंगे।
ये भी हमने लगा दिया है अभी। ये अभी रबर प्लांट है, ये रबर प्लांट को ऊपर से कपड़े की थैली है वो निकाल देते हम। ये भी लग गया है अभी हमारा। अब अगला है ये क्रोटन जैसा ही है लेकिन अलग टाइप में है, तो इसको भी अभी हम लगा लेते हैं। यह अभी हमने सब पौधों को बराबर से इसमें लगा दिए है। अभी इसके ऊपर हम अच्छी तरह से पानी फुहार देंगे हम। ये देखिए जितनी भी मिट्टी वगैरह लगी है सब निकल जाएगी। नौ दिन लगने के बाद दोस्तों मुझे तो लगा था कि मेरे पौधे अभी पूरे गए काम से, लेकिन जिस टाइप में मैंने खोलते ही बॉक्स जिस टाइप में मुझे पौधे दिखे तो मैं बहुत खुश हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा ये फंगिसाइड पाउडर का जो पानी है वो भी इसमें डाल देंगे हम, इन्हें फंगस से विमुक्त हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।